Good morning. Today a very special theorem is there, that is the Hadamard theorem. Before starting this, there is a remark, that is, if a power series converges at z equal to z naught and diverges at z equal to z1, then mod of z naught should be less than mod of z1. That is, the power series that converges at the point z naught, uska mod jo hai aapka divergent wale point se less hona chahiye. So next is Hadamard theorem. This is a very nice and good theorem. To every power series summation an z the power n, there corresponds a number r, where r is greater than equal to 0 and less than equal to infinity, for which the series number 1 converges absolutely in mod z less than r. If you see the diagram, this is, you can take your r as the radius for the circle. You can consider like this. Now, if this mod z is less than r, for mod z less than r, the series is absolutely convergent. Okay, so here the series converges absolutely. But if mod z is less than equal to r naught, which is strictly less than r, so there is another r naught which is less than r, that is this region. Thoda sa r se pehle wala region, uske liye series uniformly converge kar rahi hai. Uniformly convergent. Aur agar hum is r se bahar aa jate hain, तो इस पोजीशन के लिए सीरीज आपकी डाइवर्जेंट है. सो इफ मॉड जेड इज ग्रेटर देन आर, हियर द सीरीज डाइवर्जेस. सो फॉर प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम वी कंसीडर दिस आर, वी डिफाइन दिस आर एज एंड प्रूफ द थ्री कंडीशंस फॉर दिस आर. Okay, so let's start with the proof. What we have to do is, we have to choose our r. Before that, one thing is there, agar series sabhi values ke liye diverge ho jati hai, agar jo aapki series hai sabhi values ke liye divergent ho jati hai, that means aapka r to start hi nahi hua, because वो कह रहे हैं कि r अगर greater than equal to 0 और less than equal to infinity है, तो इसके लिए सीरीज़ जो आपकी या तो कन्वर्ज करेगी absolutely या uniformly, but इससे बाहर जो आपकी सीरीज़ diverge कर रही है. अगर हम ये कहते हैं कि सीरीज़ diverge करती है सभी नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ के लिए z की, तो क्लियरली r तो हमारा वैनिश हो जाएगा, क्योंकि r स्टार्ट ही तभी होता है अगर आपकी सीरीज़ कन्वर्ज करनी शुरू कर जाए. जब सीरीज सभी पॉइंट्स के लिए डाइवर्ज करिए, दैट मीन्स आर आपका है ही नहीं है, वैनिश है. सो लेट्स राइट, इफ द सीरीज डाइवर्जेस फॉर ऑल नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ सेट, then clearly r is 0, because उस केस में हमारा, देखो r यहाँ पर अगर सपोज प्रेजेंट है, इसके लिए कन्वर्जेंट है, मतलब जो z की वैल्यूज़ हमारी अंदर वाली होगी उसके लिए सीरीज कन्वर्जेंट है. बट अगर अंदर वाली वैल्यूज़ भी z के लिए सीरीज डाइवर्ज कर रही है, तो r तो हमारा फिर शुरू ही नहीं होगा ना, r तो होगा ही नहीं, r is 0. अब नेक्स्ट पॉइंट हम लिख रहे हैं, इफ़ अगर कुछ नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ के लिए सीरीज़ जो है कन्वर्ज करती है, तब हम अपना अब आर चूज़ करेंगे, सपोज करेंगे. इफ़ द सीरीज कन्वर्जेस, अब मैं कह रही हूँ कन्वर्ज करती है फॉर, सारी तो नहीं बट कुछ नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ ले लेते हैं, सब नॉन ज़ीरो वैल्यूज ऑफ जेड,
then, let. S to be equal to, मैंने एक set बनाया S, जिसमें वो सारे के सारे R मुझे इकट्ठे करने में small r use कर रही हूँ, such that, जिनके लिए हमारी जो series है, mod an, mod z the power n, मैंने यहाँ पर mod इसलिए suppose करना है, because मुझे first part में absolutely convergent show करना है, converges absolutely के लिए मुझे यहाँ पर mod consider किया मैंने. This converges for, देखो यहाँ पर किसके लिए region है mod z less than r. तो for mod z less than this small r. ये मैंने s हमने set बनाया है, वो सारे के सारे r हमने उठाने हैं जिनके लिए हमारे पास ये जो सीरीज है उसका मॉड कन्वर्ज करता है फॉर मॉड जेड लेस देन आर. ठीक है, अब हम डिफाइन करेंगे एंड वी डिफाइन दिस कैपिटल आर विच इज इक्वल टू, इसका अपर बाउंड लेना है, लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एस, अगर एस बाउंडेड होता है. ठीक है, तब इसकी वैल्यू जो है वो लीस्ट अपर बाउंड होगी, और अगर एस अनबाउंडेड होता है तब हम आर की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी. ठीक है, सपोज मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देती हूँ. देखो, सपोज हम यहाँ पर एस अज्यूम करते हैं, हमारे पास 1, 2, 3, 4, ये सारी आर की वैल्यूज 1, 2, 3, 4 हैं. ठीक है, तो आर क्या हो जाएगा, हमारा लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एस, दैट मींस वो हो जाएगा हमारा 4. ठीक है, अब मुझे एक ऐसा रो, जैसे सपोज ये मॉड सेट है लेस देन आर है, इसके बीच में मुझे एक नंबर लेना है रो, सच दैट दिस रो इज लेस देन आर. तो आप वो अगर आर आपका 4 है तो आपका रो क्या हो जाएगा 3. उसके लिए हम सीरीज देखेंगे. ठीक है, एक मैंने रो कंसिडर करना है जो कि आर से छोटा होगा. ये चीज आपको समझ आ गई अपर बाउंड के लिए. ओके, और जब सीरीज़ जो है आपकी अनबाउंडेड होती है तो अपर बाउंड आपका इन्फिनिटी पे चला जाता है, क्योंकि सीरीज़ आपकी चलती रहती है. सो वी विल शो दैट दिस आर सेटिस्फाइज कंडीशंस 1, 2 एंड 3. ये हमारा टारगेट है. वी विल शो दैट आर सेटिस्फाइज फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन. ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट प्रूफ कर रहे हैं, हमारा फर्स्ट जो हमने प्रूफ करना है कि द सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली फॉर मॉड सेट लेस देन आर. सो लेट्स टेक फॉर एनी पॉइंट, कोई भी मैंने एक पॉइंट ले लिया जेड नॉट विथ मॉड सेट नॉट लेस देन आर. ठीक है, उसके लिए हम एक नंबर फाइंड करते हैं. वी कैन फाइंड अ नंबर दैट इज रो. देखो, आपका जो यहाँ पर जेड नॉट पॉइंट है, ये आपका सपोज आर है. अगर आपका मॉड जेड नॉट स्ट्रिक्टली लेस देन आ रहा है तो इन दोनों के बीच में ये गैप है, और इस गैप में मैं एक नंबर रो सपोज कर रही हूँ. ठीक है, वो मैंने एक रो नंबर ले लिया. सो दिस नंबर रो मस्ट लाई वी कैन फाइंड द नंबर रो दैट इज सच दैट आपका ये जो मॉड ऑफ जेड नॉट, this should be less than this row, which further less than
आर, तो इनके गैप के बीच में मैंने एक रो कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब आर क्या है, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एस, ठीक है। इसका मतलब आपका ये जो रो है, अब लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एस यानी कि इसमें से जितने भी आर हमने कंसिडर किया उससे उसका सबसे बड़ा नंबर। अब क्योंकि रो आर से छोटा है, इसका मतलब रो जो है आपका एस के अंदर तो आएगा ही आएगा, ठीक है। सो बिकॉज रो इज लेस देन आर, सो दिस रो विल लाई इन एस, अदरवाइज आर कुड नॉट बी इट्स लीस्ट अपर बाउंड। सो द नंबर रो मस्ट lie in the set S. All right. अगर आपका रो इसके अंदर है, इसका मतलब जो सीरीज है वो कन्वर्ज करेगी फॉर मॉड सेट नॉट लेस देन रो के लिए, ठीक है। Therefore, because यहाँ पर हमने वही वाले आर उठाने हैं जिनके लिए सीरीज कन्वर्ज करे, इसका मतलब वो उस मॉड सेट लेस देन रो के लिए भी तो कन्वर्ज करेगी। So can I write समेशन, बिकॉज रो हमारा इसके अंदर लाई करता है, सो ज़ीरो टू इन्फिनिटी यहीं से लिखो आप, मॉड ऑफ ए एन मॉड ऑफ जेड द पावर एन कन्वर्जेस फॉर मॉड ऑफ जेड लेस देन, अब यहाँ क्या लिखेंगे, रो के लिए भी यही लाइन लिखेंगे जो हमने सेट एस पे लिखी है, बिकॉज रो लाइज इन एस। तो यहाँ पर अगर हम रो लिखेंगे उसके लिए भी हमारे पास ये सीरीज कन्वर्जेस फॉर मॉड जेड लेस देन रो, ठीक है। अब हमारा जो मॉड ऑफ जेड नॉट है वो तो रो से छोटा है, ठीक है, तो इसलिए अगर जेड के लिए ये चीज़ लिख रहे हैं हम, तो जेड नॉट के लिए भी तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं। देखो मॉड ऑफ जेड इज़ लेस देन रो, ये हमने उस सेट में से ये लाइन लिखी है, और हमारा मॉड ऑफ जेड नॉट वो खुद रो से छोटा है, तो हम इस z नॉट पॉइंट के लिए भी सेम लाइन लिखेंगे, सिंस मॉड ऑफ z नॉट इज लेस देन रो, सो द सीरीज कन्वर्जेस फॉर मॉड z नॉट लेस देन रो। देयरफॉर समेशन n गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ ए एन, अब यहाँ पर z की जगह क्या लिखना है, z नॉट the power and this also converges, ठीक हो गई बात। Thus summation n going from 0 to infinity mod a n mod z not the power n converges for mod z not less than that capital R, ठीक है, because आपका mod of z naught is less than rho is less than R, अगर वो less than rho के लिए valid है तो rho तो खुद R से छोटा है, तो मैं इसकी जगह R भी तो लिख सकती हूँ, ठीक है। If it is less than rho then it is also less than this capital R, तो कैपिटल आर ने हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करवा दी, बट जेड नॉट इज आर्बिट्ररी, तो इसका मतलब सभी के सभी पॉइंट्स अंदर वाले सभी के लिए ये क्या हो गया, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो गया, क्योंकि जेड नॉट आर्बिट्ररी है। तो देयरफॉर summation n going to 0 to infinity, अगर mod converge कर गया, that means mod of a n z the power n which is equal to summation mod a n mod z the power n, अब z naught की जगह क्या लिख रहे हैं, z because अब z naught क्या हो गया, arbitrary, this converges फॉर मॉड जेड लेस देन आर, जेड नॉट की जगह जेड, राइट। सो अगर मॉड कन्वर्जेस दैट मीन्स सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली, हेंस समेशन एन गोइंग टू जीरो टू इन्फिनिटी
mod of an z to the power n converges absolutely in mod z less than r. तो इस चीज़ के लिए हमारी जो है सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्ज हो गई. ठीक है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड. ओके, अब हम सेकंड कंडीशन करते हैं. आप कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए मैं इसको दूसरे कलर से लिखती हूँ. ठीक है, ऑलराइट. अब हम सेकंड कंडीशन प्रूव करेंगे. सेकेंड कंडीशन हमें यूनिफॉर्मली कन्वर्जन प्रूव करनी है. उसके लिए हम वी स्ट्रस एम टेस्ट को लेकर आएंगे. सो लेट मॉड ऑफ जेड, आपको सेकेंड कंडीशन में मॉड ऑफ जेड नॉट लेस देन इक्वल टू आर नॉट दिया है और दिस इज फर्दर लेस देन आर ये दिया हुआ है. ठीक है, देन समीशन एन गोइंग टू जीरो टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ ए एन जेड एन, वही जैसे हम यू एन जेड कंसिडर करते थे. दिस इज इक्वल टू समीशन एन गोइंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ ए एन मॉड ऑफ जेड द पावर एन. दिस इज अप मॉड जेड इज लेस देन इक्वल टू आर नॉट. ठीक है, सो दिस इज लेस देन इक्वल टू समीशन एन गोइंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ ए एन. This mod of Zn is less than equal to this r naught. So I write r naught the power n. Okay. Now choose this as your mn. Let mn is equal to summation n going from 0 to infinity mod of an r naught the power n. Now, अब हमें पता है कि ये एम एन जो है ये सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है बाय वन. बिकॉज आपका देखो हमारी सीरीज़ कन्वर्ज करती है फॉर मॉड जेड लेस देन आर के लिए. ठीक है, इसके लिए हमारी सीरीज़ एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रही है. दैट मीन्स हमारी सीरीज़ कन्वर्ज करती है मॉड जेड लेस देन आर के लिए. लेकिन हमारा जो आर नॉट है वो लेस देन आर है. ठीक है, तो इसका मतलब हमारी सीरीज़ जो है कन्वर्ज कर रही है बाय वन एज आर नॉट इज़ लेस देन R. So this series converges by first condition. अगर less than R के लिए कन्वर्ज करिए तो R से छोटे के लिए भी तो कन्वर्ज कर रही है. ये देखो ना, ये R है, इससे छोटा मैंने R नॉट लिया है. अगर इसके लिए absolutely कन्वर्ज करिए तो इससे छोटे के लिए भी तो कन्वर्ज करेगी, छोटी सीरीज के लिए, क्योंकि ये R है ही आपका ऐसा नंबर जहाँ पर सारी चीज़ें कन्वर्ज हो रही है. इससे कम नंबर पर भी तो कन्वर्ज हो रही है. ठीक है, सो दिस कन्वर्जेस बाय वन एज आर नॉट इज लेस देन आर. ठीक है, अब ये कन्वर्ज होगी. दैट मीन्स बाय वी स्ट्रस एम टेस्ट सीरीज जो है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो गई है. सो सिंस दिस मॉड ऑफ ए एन जेड एन जो है दैट इज लेस देन इक्वल टू summation mn where n going to 0 to infinity. This is also your summation from 0 to infinity and this summation mn is convergent 0 to infinity. This is convergent. So by Weierstrass m test therefore by Weierstrass m test the series summation an zn n going from 0 to infinity this converges uniformly. ठीक है, for your region is mod of z less than equal to r not less than r. clear. now is your third condition. उसके लिए क्या शो करना है कि हमारा मॉड सेट ग्रेटर देन आर के लिए डाइवर्जेंट है सीरीज. सपोज करो कि वो डाइवर्जेंट नहीं कन्वर्जेंट है. ठीक है, हम उसको कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे. इफ पॉसिबल सपोज
the series summation n going to 1, 0 to infinity an zn. ठीक है, हम सपोज करते हैं कि ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है. इट इज कन्वर्जेस एट सम पॉइंट जेड वन ग्रेटर देन आर, एट पॉइंट जेड वन वेयर दिस मॉड ऑफ जेड वन इज ग्रेटर देन आर. यहाँ पर देखो ये आपका आर पॉइंट है, इसके आगे हमने कोई पॉइंट लिया है जेड वन. सपोज क्योंकि इसके पीछे वाले पॉइंट्स के लिए तो कन्वर्जेंट है, आगे वाले के लिए डाइवर्जेंट शो करना है. मान लो कि आगे के लिए भी वो कन्वर्ज कर रहा है. ठीक है, सो देन समेशन एन गोइंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड द पावर एन. अब हमें पता है कि जो हमारा जेड है, जो अंदर वाले जो हमारे जेड प्रेजेंट है, वो जो मॉड जेड है वो लेस देन मॉड ऑफ जेड वन है. ठीक है, इसका मतलब हमारी सीरीज़ जो है, हमने फर्स्ट कंडीशन से पढ़ा था कि इसके लिए हमारी सीरीज़ क्या है, कन्वर्जेस एब्सोल्युटली. सो अगर हमारी सीरीज़ कन्वर्ज करती है किसी पॉइंट जेड वन पे, जो कि बाहर है पॉइंट हमने जो लिया है, इसका मतलब जो हमारी ए एन जेड एन है वो क्या कर रही है, दैट कन्वर्जेस एब्सोल्युटली. देखो अपना रिजल्ट देखो, पहले जो आपकी थ्योरम है, सी व्हाट इज द थ्योरम. एवरी पावर सीरीज ए एन जेड एन दिस कन्वर्जेस एब्सोल्युटली इन मॉड जेड लेस देन आर. ठीक है, सो इफ मॉड ऑफ जेड इज लेस देन मॉड ऑफ जेड वन, we have taken the point outside and we have written that if possible, suppose the series converges at some point z1, that means this series converges absolutely for mod z less than mod of z1. This converges absolutely for mod of z less than mod of z1. Your z1 is also greater than r. तो अगर अगर हमारा mod z z1 से छोटा है तो उसके लिए तो हमने absolutely convergence show किया है ना first point पे. तो इस mod z less than mod z1 के लिए हमने absolutely, हम z1 की बात नहीं कर रहे, हमारा जो mod z है वो less than mod of z1 है. हम इस z के लिए बात कर रहे हैं कि जो हमारी सीरीज है कन्वर्जेस एब्सोल्युटली फॉर मॉड ऑफ जेड वन, जो इस मॉड जेड वन से छोटा है. ठीक है, अगर ये सीरीज इसके लिए एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, इसका मतलब हमारा जो मॉड ऑफ जेड वन है वो हमारा वो जो सेट हमने कंसिडर किया था वहाँ पर चला जाएगा. ठीक है, देखो अपना सेट, ये देखो हमने सेट क्या बनाया था, वो सारे पॉइंट्स हमने लेने हैं जिनके लिए सीरीज कन्वर्जेंट है फॉर मॉड जेड लेस देन आर. अब वहाँ पर हमने जो आगे प्रूव करे हैं वहाँ पर है मॉड ऑफ जेड लेस देन मॉड ऑफ जेड वन. इसका मतलब आपका जो वो जेड वन है वो एस के अंदर है, मॉड ऑफ जेड लेस देन आर है तो आर एस के अंदर है. यहाँ पर मॉड ऑफ जेड वन मॉड ऑफ जेड वन से लेस, इसका मतलब जेड वन आपका एस के अंदर है. ठीक है, अगर मॉड ऑफ जेड वन एस के अंदर है, इसका मतलब ये हुआ कि फिर आर तो अपर बाउंड नहीं हुआ, आर इज नॉट अपर बाउंड ऑफ एस. क्यों? बिकॉज आपको मॉड ऑफ जेड वन आर से बड़ा है. जो नंबर देखो आपने, आर जो है आपका फोर था, वन टू थ्री फोर में से फोर था. अब कह रहे जेड वन तो आर से बड़ा है, इसका मतलब आर इसका अपर बाउंड नहीं हुआ ना एस सेट का. एस सेट क्या हमने गेस किया था, वन टू थ्री फोर. जब आर सबसे बड़ा लीस्ट अपर बाउंड आर फोर हमने माना हुआ है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मॉड ऑफ जेड वन ग्रेटर देन आर है और जेड वन भी एस के अंदर है, तो इसका मतलब जेड वन कुछ और बड़ा नंबर होगा जो कि तो है ही नहीं इसमें. हम तो कह रहे हैं आर अपर बाउंड हमने कंसिडर किया था इस प्रूफ के लिए. जब Z1 R से बड़ा है, इसका मतलब Z1 अपर बाउंड हुआ ना, R तो अपर बाउंड नहीं हुआ, जो कि कॉन्ट्रडिक्शन आ गई.
ठीक है, इसका मतलब अगर z1 s के अंदर चला गया और r जो है z1 जो r से भी बड़ा है, इसका मतलब r अब अपर बाउंड नहीं रहा, जो कि एक कॉन्ट्राडिक्शन है, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। लेट्स चेक, सी योर r इज, r आपने क्या सपोज किया, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ s, और हम कह रहे हैं z1 s के अंदर चला गया है, इसका मतलब r अपर बाउंड नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि z1 r से बड़ा है। तो यहीं पर हमारी इस पॉइंट को लेकर हमारी कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है, कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है, इसका मतलब हम जो सोच रहे हैं कि इसको कन्वर्ज, हम इस पॉइंट पर कन्वर्जन सीरीज को लेट कर लेते हैं, वो हम गलत सोच रहे हैं, हमारी सीरीज फिर वहाँ पर डाइवर्जेंट ही होगी। सो देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, दस समीशन ए एन जेड एन एंड गोइंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, दिस डाइवर्जेस फॉर मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन आर, हेंस द रिजल्ट। अब ये जो बार बार हमने कैपिटल आर इस पूरी थ्योरम में बोला है, एक्चुअल में वो कैपिटल आर क्या है, दैट कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है, दिस कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। सो लेट्स राइट, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज डिनोटेड एज योर कैपिटल आर। तो जो पावर सीरीज है वो हमेशा इनसाइड कन्वर्ज करेगी, आउटसाइड डाइवर्ज करेगी, और मॉड जेड इक्वल टू आर के लिए पता नहीं, कन्वर्ज भी कर सकती है, डाइवर्ज भी कर सकती है, देर इज नो जनरल प्रिंसिपल रिगार्डिंग इट्स बिहेवियर ऑन द सर्कल। ओके, सो इफ दिस इज योर सर्कल, this is your r, so the power series converges inside, diverges outside, but on z equal to r iske upar pata nahi, we don't know either converge or diverge, okay, so iske upar hame कुछ पता नहीं है, नो जनरल प्रिंसिपल रिगार्डिंग इट्स कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। ओके, सो इट मे कन्वर्ज एट ऑल, नन और सम ऑफ द पॉइंट्स, सो द पावर सीरीज, दिस इज योर रिजल्ट, सो द पावर सीरीज मे कन्वर्ज एट ऑल, none or some points of or some of the points, okay, अंदर के लिए converges, बाहर के लिए diverges, r के ऊपर we don't know, okay, so power series is defined by its coefficients and it is these coefficients alone that determine its radius of convergence, because ये इसके coefficients हैं, यही coefficients determine करेंगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को, ठीक है, सो ये चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, डू सब्सक्राइब एंड फॉर द लेटेस्ट वीडियोज फॉर ऑन द पावर सीरीज, सो लेट्स मीट द नेक्स्ट क्लास एंड वी डू सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट आर बेस्ड फॉर द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस and some other proofs of the theorems. Thank you.